समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे का झगड़ा जगजाहिर है। विवाद इतना बड़ा कि चाचा शिवपाल यादव ने अपनी नई पार्टी बना ली और अखिलेश यादव से किनारा कर लिया, लेकिन लगभग चार साल बाद होली के मौके पर वो तस्वीरें सामने आई जिसका सपा चार साल से इंतजार कर रही थी। होली के मौके पर मुलायम सिंह यादव का यह परिवार एक बार फिर से इकट्ठा हुआ। चाचा भतीजा एक मंच पर दिखाई दिए। अपने पैतृक गांव में अखिलेश यादव ने भी आगे बढ़कर चाचा शिवपाल के पैर छुए, जिसे देखकर सपा कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। समर्थकों ने नारा लगाया, अखिलेश भैया शिवपाल चाचा जिंदाबाद। इतना सब कुछ देखने के बाद लग रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा प्रसपा प्रमुख के बीच कड़वाहट कम नहीं हो रही। अखिलेश यादव जैसे ही मंच पर समर्थकों को संबोधित करने के लिए खड़े हुए, कार्यकर्ताओं ने चाचा भतीजा जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे अखिलेश भैया नाराज हो गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को इशारों में शांत रहने के लिए कहा, साथ ही उन्होंने कहा कि और बोले सीमा पार नहीं करनी चाहिए। मंच पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश कह रहे थे कि साल 2022 में समाजवादियों की सरकार बनानी है। इसके बाद समर्थकों ने चाचा भतीजा जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर अखिलेश यादव ने हाथों से इशारा कर शांत रहने के लिए कहा। नारे से नाराज अखिलेश ने कहा, कुछ मर्यादा और परंपरा बनी रहनी चाहिए, कोई बात सीमा पार नहीं होनी चाहिए। जब बात सीमा से पार होती है तो राजनीति अपना रास्ता देखती है। समाजवादियों ने जो पैमाना तय किया है उसमें बड़ी बड़ी सड़क, बड़े बड़े अस्पताल हैं, छोटी मोटी बातों में खुशहाली नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोगों की जान गई है, 100 से ज्यादा देश में फैल गई है, हमारे देश में भी फैली है, लेकिन हमें सावधान रहना पड़ेगा ऐसी बीमारियों से भी। वहीं हम अपने फाग के लोग जो फाग गा रहे हैं तो उन्हें बधाई देंगे। फाग गाने वालों को, हमारे बुजुर्गों को बहुत शुभकामनाएं। ये अलग बात है कि हमारे नौजवानों को समझ में आई हो ना आई हो, लेकिन फाग के मामले में हम लोग उनके साथ देते रहे हैं। हालांकि इससे पहले शिवपाल यादव मंच पहुंचे तो अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के पैर छुए, लेकिन उन्हें चाचा का आशीर्वाद नहीं मिला। इस बीच शिवपाल ने भी बड़े भाई राम गोपाल यादव के पैर छुए। इसके बाद यह संदेश गया कि मुलायम कुनवा एक हो रहा है, बीजेपी को हराने का काम करेंगे। इस दौरान शिवपाल ने कहा कि साल 2022 के चुनाव में हम सब एक साथ चुनाव लड़ेंगे, सबको इकट्ठा करेंगे और सभी पार्टियां भाजपा को हराने का काम करेंगी। हमारी पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी होगी जिसके साथ हम चुनाव लड़ेंगे। सब लोग इकट्ठे हों, जितने भी उपेक्षित लोग हैं, दुखी हों, जो भटक रहे हैं दहर उदार, सब इकट्ठे होकर के बीजेपी सरकार को हटाए। 2022 को लेकर गठबंधन को लेकर किन दलों से आपकी बात चल रही है? देखिए, हम निश्चित तालमेल करेंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, जो जितने भी उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, सबको इकट्ठा करेंगे। और 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार में रहेगी। अब हमारी प्राथमिकता है सर लखनऊ में तालमेल में रहे।